क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और प्रेस करो इस बेल आइकन पे ताकि आप देख सको वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले लेनोवो का L480 थिंकपैड लैपटॉप के बारे में। तो आप भी सोच रहे हो कोई अच्छा सा बिजनेस लैपटॉप परचेस करने के लिए, तो लेनोवो काफी सारे अच्छे अच्छे बिजनेस लैपटॉप लॉन्च करती है। तो लेनोवो की कंपनी जो कि बिजनेस लैपटॉप के नाम से जानी जाती है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनी में आपने ऑफिस में देख रहे हैं लेनोवो के कंपनी के डेस्कटॉप के लैपटॉप यूज किए जाते हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी और स्ट्रांग रहती है। तो इस वीडियो में मैं इसका प्राइस, इसका स्पेसिफिकेशन और डिजाइन क्वालिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताया तो इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, तो इसके अंदर जो कि i5 8 जनरेशन देखने को मिल जाता है, 8GB का रैम देखने को मिल जाता है जो कि DDR4 रैम है, और इसके अंदर जो कि 256 SSD देखने को मिल जाता है। तो आप ये वीडियो जो कि लेट देख रहे हो 2020 में या फिर 2021 में देख रहे हो, तो इसके जो अपकमिंग न्यू मॉडल रहेगी उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसका प्राइस जो कि 50 से 55,000 तक आपको आज के डेट में देखने को मिल जाता है, पर हो सके फ्यूचर में इसका प्राइस कम हो जाए, इसके न्यू मॉडल्स भी आ जाए, तो वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं जो कि इसका डिजाइन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये ऊपर का फिनिश, तो ये सब आप देख सकते हो इधर, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया है, ये टोटली मैट फिनिश है, तो इसके अंदर कुछ भी स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे। और इधर आप देख सकते हो, इधर आपको थिंक पैड का जो कि आपको लोगो देखने को मिल जाता है। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो इधर आपको माउस पैड देखने को मिल जाता है। तो मोस्ट ऑफ द लैपटॉप में आपने देखा रहेगा जो कि माउस पैड के अंदर जो बटन्स रहते हैं राइट साइड के और लेफ्ट साइड के, जो आपको इधर देखने को मिल जाते हैं, पर ये बिजनेस लैपटॉप है तो इसके लिए इसके राइट साइड का लेफ्ट साइड का बटन आपको इधर देखने को मिलता है, और इसका माउस पैड का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और इधर आप देख सकते हो बटन भी बहुत ही सॉफ्ट है, तो इजीली आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो जो कि बिजनेस के यूज़ के लिए, आप कुछ भी सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप कर रहे हो या फिर कुछ वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो इजीली इसके थ्रू आप एडिट कर सकते हो, जिससे आपको अलग माउस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। काफ़ी लोग लैपटॉप के साथ में अलग माउस यूज़ करते हैं क्योंकि उनका माउस पैड स्लो रहता है, पर इसका माउस पैड स्लो नहीं, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का इसका माउस पैड है। और इधर आप देख सकते हो, इधर आपको थिंक पैड वापस से देखने को मिल जाता है, और इधर आप देख सकते हो जो कि इसके अंदर इंटेल कोर i5 8 जनरेशन का आप देख सकते हो, ये आपको है ना इधर ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। और अब बात करते हैं इसका कीपैड की, तो कीपैड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, साइड में आपको नंबर्स के की देखने को नहीं मिलती है क्योंकि इसका लैपटॉप का साइज 14 इंच है, तो इस बेस पे आप देख सकते हो इतने की इसके अंदर अरेंज हो पाए, तो इस बेस पे आप देख सकते हो इस टाइप का आपको कीपैड देखने को मिल जाता है। कीपैड बहुत ही क्लिकी और बहुत ही ईजिली आप प्रेस कर पाओगे, जैसे कि आपने दूसरे सारे लैपटॉप में देख रहे हो उनका, तो उनका की आपको जोर का प्रेस करना पड़ता है, पर इसका की आप बहुत ही स्मूथली जो कि प्रेस होता है, तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी बनाई गई है इसके कीपैड्स की। ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर आपको वॉल्यूम के कुछ शॉर्टकट्स की भी देखने को मिल जाता है, और इधर आप देख सकते हो इधर आपको पावर के देखने को मिल जाता है, और इधर आप देख सकते हो लेनोवो L480 जो कि मॉडल नंबर लिखा हुआ है, और इधर जो कि लेनोवो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको जो कि डिस्प्ले की क्वालिटी बताता हूँ, डिस्प्ले क्वालिटी आप देख सकते हो जो कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, ना तो ये डिस्प्ले से आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ना ये ज़्यादा मैट फिनिश है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले, इसका साइज जो कि 14 इंच है, और ये फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, तो इसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो, क्योंकि इसका प्रोसेसर और इसका जो कि रैम DDR4 है इसकी वजह से बहुत ही स्मूथ वर्क करता है। और यही लैपटॉप आप यही स्पेसिफिकेशंस में आप दूसरा जो कि लेनोवो के 330 या फिर 340 या फिर दूसरे मॉडल्स में लोगे तो इसके अंदर भी सेम स्पेसिफिकेशन रहेगा, पर उसका पावर जो कि मैंने दोनों लैपटॉप यूज़ किया हुआ है, पर इसमें जितना स्मूथली वर्क करेगा उसमें उतना स्मूथली वर्क नहीं करेगा, तो इसमें 10,000 से लेके 7-8,000 तक का डिफरेंट देखने को मिल सकता है। पर थिंक पैड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, ये नीचे गिरने पे भी डैमेज बहुत ही कम चांसेस होता है होने के लिए, जैसे कि 0.5 फीट से या फिर ना 1 फीट से नीचे गिरा, तो वह ऊपर से ज़्यादा नीचे गिरा तो डैमेज होने के चांसेस है। तो अब बात करते हैं कैमरा की, तो इधर आप देख सकते हो इधर आपको सामने की ओर कैमरा देखने को मिल जाता है, कैमरा की क्वालिटी आपको 720 पे देखने को मिल जाती है जो कि HD क्वालिटी का आपको कैमरा देखने को मिलेगा, और साइड में आपको एक माइक देखने को मिलता है, और इधर इसके साइड में कैमरा के बगल में एक छोटी सी इंडिकेटर लाइट है, जिस जब कैमरा ऑन करोगे तो इंडिकेटर लाइट भी ऑन हो जाएगी। और इधर आपको जो कि इंजेस देखने को मिल जाता है, दो छोटे से इंजेस, जब भी इसे क्लोज करूँ तो आप ये इजिली क्लोज हो जाए। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, क्लोज करने के बाद मैं आपको साइड का बता देता हूँ, तो साइड में आप देख सकते हो इधर जो भी हीट भी रहेगा वो इधर से साइड में से बाहर निकल जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द लैपटॉप में क्या होता है नीचे से हीट बाहर निकलता है, तो इसके वजह से आपके लेग्स गर्म हो जाते हैं, तो इसके अंदर जो कि साइड में तो इजीली हीट बाहर निकल जाएगा। इधर आपको USB केबल देखने को मिल जाता है, इधर आपको 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है, तो सामने की ओर से आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है। और इधर आप देख सकते हो जो कि राइट साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, तो राइट साइड में आप देख सकते हो इधर आपको C टाइप चार्जर देखने को मिल जाता है, उसके बगल में एक और C टाइप पोर्ट देखने को मिल जाता है, तो इधर आप देख सकते हो इधर आपको एक और USB केबल, HDMI पोर्ट और एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिल जाता है, और इधर आपको इंटरनेट पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो इंटरनेट से आप कनेक्ट करना चाहते हो कहीं भी ऑफिस में या फिर आप कहीं बाहर हो जहाँ की आपको वाईफाई नहीं है, इंटरनेट का वायर है, तो वायर के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। अब बैक साइड में मैं आपको बताया, तो बैक साइड में आपको दो इंजेस देखने को मिल जाता है और बाकी कुछ भी नहीं है। और देख सकते हो जैसे नीचे की साइड में, तो नीचे की साइड में आप देख सकते हो इधर आपको है ना कुछ स्क्रूस वगैरह देखने को मिल जाता है, तो ग्रिप के लिए इधर आप देख सकते हो रबर्स के ब्लॉक्स देखने को मिल जाते हैं जिसके थ्रू ये लैपटॉप स्लिप ना हो, तो किधर भी आप ऊपर रखे हुए या फिर टाइल्स पे रखे या फिर वुडन पे रखे तो नीचे खसक के गिरे ना,
तो इसके थ्रू ग्रिप भी बन जाएगी। और इधर आप देख सकते हो जो कि लिनोवो के पुराने मॉडल थे उसके अंदर से आप बैटरी इजिली रिमूव कर सकते हो, पर इसके अंदर जो कि बैटरी आप रिमूव नहीं कर सकते हो। काफी लोग क्या करते हैं बैटरी रिमूव करने के कारण उनके बैटरी में प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसके लिए लिनोवो ने इसमें से जो कि बैटरी रिमूव करना हटा दिया है। आपको बैटरी कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो पूरी तरह से आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी, टोटली स्क्रू आपको ओपन करने पड़ेंगे। तो इसके लिए बैटरी जो कि इसके अंदर इनबिल्ट देखने को मिल जाता है। तो बैटरी का टाइमिंग कितना आवर तक ये कंटिन्यू आप यूज़ कर सकते हो, तो फुल चार्ज होने में आपका 2 आवर से 3 आवर लेता है। तो इसको आप कंटिन्यू 5 से 6 आवर यूज़ कर सकते हो, जो कि एक बार फुल चार्ज करने के बाद में। जो कि मैं इसको लास्ट 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा, कुछ भी इशू नहीं आया इसके अंदर। तो वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ तो वीडियो एडिटिंग के भी आप सॉफ्टवेयर इसके अंदर इजीली यूज़ कर सकते हो। कोडिंग्स से रिलेटेड आप जो कि एप्लीकेशन या फिर ना नेटबिंस वगैरह हाई क्वालिटी के जो कि सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो वो भी बहुत ही स्मूथली और फास्ट ओपन होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मेरा एक दूसरा लैपटॉप भी है तो आप देख सकते हो, जैसे कि ये वाला मेरा लैपटॉप है लिनोवो का 330 आइडिया पैड। तो इस लैपटॉप के अंदर मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, ये नॉर्मल लैपटॉप है। तो इसके अंदर भी i5 8th जनरेशन है, पर 2 TB जो कि मेरा हार्ड डिस्क है तो इसको भी यूज़ करता हूँ। पर इसके अंदर जो कि है ना, पर इससे फास्ट ये वाला जो कि थिंक पैड वर्क करता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर भी वीडियो एडिटिंग करता हूँ, इसके अंदर भी वीडियो एडिटिंग करता हूँ, तो इसके अंदर जो कि है ना 5 मिनट का वीडियो को एक्सपोर्ट होने में करीबन इस लैपटॉप के अंदर जो कि 10 से 15 मिनट चले जाते हैं। और वही सेम वीडियो फुल एचडी क्वालिटी में मैं थिंक पैड के अंदर से एक्सपोर्ट करता हूँ, जो कि 7 से 9 मिनट में कंप्लीट रेंडर हो जाता है, मतलब एक्सपोर्ट हो जाता है। तो जो क्वालिटी के प्रोडक्ट इसके अंदर यूज़ किए गए वो काफ़ी सारे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ किए गए, और इसके अंदर भी अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ किए। प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, ये जो कि आपको है ना 45,000 के करीब मिलेगा, और ये जो कि 50 से 55,000 के करीब मिलेगा। तो जिस बेस पे आपको इसके अंदर थोड़े से पावरफुल कंपोनेंट्स देखने को मिल जाते हैं, तो इसे मैं रख देता हूँ साइड में। तो इसका प्रोडक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और ये वीडियो आप 2020 या फिर 2021 में देख रहे हो तो इसके न्यू मॉडल्स भी आने वाले, तो सभी के प्रोडक्ट लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।